हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कितने लोग बिहार से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने भी यूपी बिहार वाले लोग हैं हमें ज़रूर कमेंट करें। और जो भी छठी मैया को प्यार करता है, छठी मैया को मानता है, कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, सबसे पहले सब मुझे ज़रूर कमेंट करें कि छठ पूजा किसे किसे पसंद है। मुझे तो छठ पूजा काफ़ी अच्छा लगता है, इसे हम लोग एक साल इंतज़ार करते हैं इस पर्व को आने के लिए। और हाँ, मैं वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट की क्योंकि मैं छठ पूजा के कार्यक्रम में थोड़ा बिजी हो गई थी, क्योंकि छठ पूजा में आप जानते ही हैं कितना नियम होता है, तो मैं थोड़ा बहुत छठ पूजा में हेल्प कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो लेट पोस्ट की। छठ के बाद मैं थक गई थी। तो यहाँ पे हमारा दौरा सजाया जा रहा है, तो जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं एक बार छठ मैया की जयकारा ज़रूर लगाए दें। बोलो छठी मैया की जय, कमेंट में ज़रूर छठी मैया की जयकारा लगाए। छठी मैया सबकी बिगड़ी बनाएंगी, सबकी दुख दूर करेंगी। और हाँ, हमारी वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग के यहाँ छठ पूजा कैसे किया जाता है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली यहाँ हमारा पांचों दौरा बंधा के रेडी हो चुका है, अब हम लोग निकलेंगे घाट। तो हमारा घाट दूर नहीं है, छत के ऊपर ही घाट बनाया गया है, छत पे ही घाट बना हुआ है। और यहाँ पे किट्टू देख ही रहे हैं, डांस कर रहा है, इसको खूब मस्ती चढ़ी हुई थी छठ पूजा का गाना सुन के। तो आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग घाट की तरफ चल दिए हैं, अब हम लोग फाइनली घाट पहुँच ही गए, क्योंकि हम लोग छत में ही छठ करते हैं तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो हम लोग तुरंत ही घाट में पहुंच गए। और छठ गीत में मेरा सबसे फेवरेट गाना है कांचे ही बांस की बहंगिया, तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि कांचे ही बांस की बहंगिया अपने साउंड में आप लोग को सुनाऊं। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा साउंड कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। सबसे पहले आप लोग सूर्य देवता को नमस्कार कर लीजिए, मैं सूर्य देवता की एक झलकी दिखा देती हूँ, तो आप लोग नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम कीजिए। और यहाँ पे हमारा दौरा रखा गया है, और जब दौरा रखा ही गया तो चलिए मैं फाइनली आप लोग को छठ पूजा की एक गीत सुना ही देती हूँ। कांचे ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा घाट। हुई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाट पहुँचा। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। और यहाँ पे घाट बांधा जा रहा है। और जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं कि आप लोग का फेवरेट गीत छठ पूजा का गीत कौन सा है। और मुझे तो लगता है कि छठ पूजा का गीत ऐसा होता है कि पर्सनली ऐसा नहीं है कि गीत छठ पूजा की बस लेडीज़ लोग को ही पसंद होगी, जेंट्स लोग को भी छठ पूजा की गीत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आप सारे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग का छठ पूजा का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। वैसे तो छठ पूजा का कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो किसी को फेवरेट नहीं लगता है, और मेरा तो यही फेवरेट सॉन्ग है। और जो कोई भी हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखें, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे घाट बांधने के बाद धूप दीप दिखाया जा रहा है। और जैसे कि मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि जैसे मुझे छठ पूजा बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे ही मुझे छठ पूजा के गीत भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो माफ़ी कीजिएगा, सबसे माफ़ी चाहती हूँ, एक बार मुझसे रहा नहीं जा रहा है, सोच रही हूँ फिर एक बार अपनी बेसुरी आवाज़ से आप लोग को एक संगीत सुना ही देती हूँ। तो प्लीज़ हमारी आवाज़ अच्छी नहीं लगे,
इरिटेटिंग लगे तो सो प्लीज़ 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 माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे पार्वती ने अभी नहा ली हैं और नहा के अभी ये घाट के अंदर घुसेंगी और सूर्य भगवान से प्रे करेगी। आप सब लोग सूर्य भगवान से प्रे करें। प्रे करने के बाद फिर ये अर्घ देना स्टार्ट करेंगी। अभी सूर्य भगवान के पास से हाथ जोड़ के कुछ देर तक खड़ी रहेंगी। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, और आप लोग के यहाँ कैसे होता है छठ पूजा, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो हमारे यहाँ पानी में घुसने के बाद सबसे पहले 5 डुबकी लगाया जाता है। 5 डुबकी लगाने के बाद ही हाथ जोड़ के प्रे किया जाता है, और प्रे करने के बाद ही अर्घ देना स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे पार्वती नहा रही हैं पानी में, डुबकी मार रही हैं, और इधर फिर हम लोग कलशुप में दिए जला के रख रहे हैं, क्योंकि घाट पे आने के बाद दिया अगरबत्ती तो जलाना होता ही है। तो यहाँ हम लोग धूप अगरबत्ती जला के रेडी करके रखे हैं, और यहाँ पे पार्वती सूर्य भगवान से प्रे कर रही है। मैं सबको सूर्य भगवान की दर्शन करा देती हूँ अच्छे से। आप सारे सूर्य भगवान की दर्शन करो, और जो भी आप लोग को प्रे करना है प्रे करो। और यहाँ पे अब अर्घ देना स्टार्ट हो रहा है। मैं तो उतना देर का वीडियो नहीं शूट कर पाई, पूरा प्रॉपर तो नहीं शूट हो पाया है, लेकिन तो छोटा छोटा क्लिप करके मैं हर चीज़ का शूट की हूँ अपने से, ताकि कोई भी सीन मिस ना हो। तो फाइनली यहाँ पे अर्घ देना स्टार्ट हो गया है, और आप लोग को पता है यहाँ पे इन्होंने कितने 24 कलशुभ की अर्घ दी हैं। सच में कहा जाता है कि सूर्य भगवान छठ मैया की कृपा होती है। आप सोच रहे हो एक एक बार में 2 सूप उठा के अर्घ दे रही हैं, और हर सूप में 5 राउंड मारना होता है, और 24 कलशुभ का मतलब समझ रहे हो 12 टाइम अर्घ दे रही हैं, और 12 टाइम 5-5 करके ये घूम रही हैं, मतलब कि ये 60 राउंड घूमी हैं। तो ये तो सच में चमत्कार है, सूर्य देवता छठी मैया का कृपा है। फास्टिंग 2-3 दिन का फास्टिंग रहता है, उसमें 60 चक्कर इंसान नॉर्मली डे में फास्टिंग रह के करे तो चक्कर ही आ जाए, ज़मीन में गिर जाए, लेकिन सूर्य भगवान और छठी मैया की बहुत कृपा रहती है यार। तो चलिए इसी अर्घ के साथ मैं एक बार आप लोगों को अपनी बेसुरी आवाज़ सुना देती हूँ। और आपको मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ मेरी आवाज़ इरिटेटिंग लगे, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। पर मैं आप लोग को एक बार मैं फिर से सॉन्ग सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे छठ का सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। किलवा जे फरे लागवद से ओह पर सुगा मेरड़ा, ओह पर सुगा मेरड़ाए, मर बोरे सुगवाद नुष से सुगा गिरे मोर जाए, सुगा गिरे मोर जाए, सुगनी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय, देव होई ना सहाय, सुगनी जे रोवेले वियोग से देव होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। और अर्घ यहाँ पे पड़ रहा है, तो आप लोग कमेंट में छठी मैया की जयकारा लगा के ही जाए, बिना जयकारा लगाए प्लीज़ ना जाए। छठी मैया की जयकारा तो बनता ही है, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एक बार कमेंट में छठी मैया की जयकारा जरूर ही जरूर लगा के जाए। नारियल के पात पर उगले सूरज मल जाके झूपे, नारियल के पात पर उगलन सूरज मल जापे झूपे, ये करे लो छठ बरतिया हो झापे झूपे, हम तो से पूछी बरतिया हो बरतिया किकरा लांगी, ये करे लो छठ बरतिया हो किकरा लांगी, हम रोजे बाड़े
कावन ऐसन बेटा हो उनके लागे ए करीला छठ बरतिया हो उनके लागे। हम रोजे बाड़ी कावन ऐसन बेटी हो उनके लागे हे करीला छठ बरतिया हो उनके लागे। और आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, मैं छोटा छोटा क्लिप करके वीडियो शूट की हूँ तो इतना टाइम लग चुका है अर्घ देने में। सोचिए अगर मैं लाइव दिखाती तो कितना टाइम लगता अर्घ देने में। सो मैं तो मानती हूँ कि सच में छठ मैया का बहुत बहुत कृपा रहता है। और मैं हर साल सोचती हूँ कि जमशेदपुर की नदी वाली भी छठ देखने जाऊँ, पर मुझे टाइम नहीं हो पाता है, मैं नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में छत के ऊपर इतना अच्छा होता है कि मैं इसी में बिजी रह जाती हूँ और मैं जा नहीं पाती हूँ। पर मैं इस बार सोची थी कि मैं नदी भी जाऊँगी और वहाँ से भी मैं वीडियो शूट करके थोड़ा थोड़ा ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी, पर इस बार भी नहीं पॉसिबल हो पाया। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगा, इस बार घर का ही वीडियो बस मैं शूट कर पाई हूँ। छठ माई नहीं हरवा हो सखी कार्तिक महीनावा, छठ मैया आईनी नहीं हरवा हो सखी कार्तिक महीनावा। और यहाँ पे फिर अर्घ दिला गया है और मेरा मूड हो जाता है तो मैं यहाँ पे छोटा सा रील्स बना लेती हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोची चलो मैं एक छोटा सा रील्स बना लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग घाट से रिटर्न आ जाते हैं, फिर रिटर्न आने के एक घंटा बाद फिर हम लोग फिर से छत में जाते हैं जहाँ पर कोसी भराने का नियम किया जाता है। और कोसी किसके किसके यहाँ भराता है ज़रूर मुझे बताएं। और कोसी भी मुझे ये वाला भी नियम काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे कोसी भरा रहा है और हम सारी लेडीज़ यहाँ पे मिलकर गीत गा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दीपक सब जल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज छठ का माहौल ही अलग लगता है, क्या बताएं। ये हमारा सारे पर्व में सबसे उत्तम पर्व है, माना भी गया है सबसे उचित पर्व, इस पर्व को सभी मानते हैं। आप लोग के यहाँ ये कोसी भराने वाला नियम किया जाता है कि नहीं किया जाता है? और यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं हम लोग गीत के साथ कोसी भरने का नियम कर रहे हैं। हम लोग तब तक गीत गाते हैं और यहाँ पे छठी मैया से प्रे करते हैं जब तक कि कोसी का धीरे 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 करके दीपक बुझ नहीं जाता है। और यहाँ किट्टू को भी थोड़ा सा गाना गाना था तो किट्टू भी यहाँ ताली बजा के गाना गा रहा है और डांस कर रहा है। तो किट्टू को भी छठ का गीत गाने का बहुत शौक लगा था तो ये भी मेरे साथ गीत गा रहा है। जो भी किट्टू को आ रहा है किट्टू गा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था ये, तो पूरा छत में घूम घूम के खेल रहा था। और यहाँ पे गाना जैसे ही बजना स्टार्ट हुआ यहाँ पे किट्टू का डांस भी स्टार्ट हो गया। किट्टू को खूब डांस करने का शौक चढ़ा और ये डांस कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, असली छठ पूजा का यही इंजॉय कर रहा है डांस। तो यहाँ शाम का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो चुका है और ये है सुबह की वीडियो। सुबह में यहाँ पे फिर से कोसी भराता है, कोसी भराने के बाद इसको नदी में डाल दिया जाता है और यहाँ पे काफ़ी पटाखा भी फोड़ा जा रहा है घाट में। तो छठ पूजा तो मुझे काफ़ी इंजॉयफुल लगा। और यहाँ पे फिर सुबह का अर्घ स्टार्ट हो चुका है, सुबह टाइम में भी अर्घ दिलाने लगा है। मैं बहुत सारा वीडियो नहीं प्रॉपर शूट कर पाई हूँ क्योंकि छोटा 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 करके ही मैं शूट कर पाई हूँ और बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाया, सो उसके लिए सॉरी। और मेरी वीडियो में कहाँ क्या चीज़ कमी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सुधार कर पाऊँ। और जितना कलशुभ का अर्घ शाम में दिलाया था सेम उतना ही कलशुभ का अर्घ सुबह में भी दिलाया। तो आप सब छठ का वीडियो देखिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए। आप अपने घर में सारे लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमारी भी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
और हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार। और सारे एक बार फिर से छठी मैया की जय बोलिए, और कमेंट में जयकारा लगाकर ही जाना है, बिना जयकारा लगाए आप नहीं जाएं। से आप सब मस्त रहे, बिंदास रहे। और यहाँ पे मैं एक बार फ्रंट से वीडियो शूट कर रही हूँ, और सच में मुझे फ्रंट से वीडियो शूट करने में फ्रंट कैमरा करके अनकंफर्टेबल लगता है। और सच पूछो तो मैं पहली बार फ्रंट कैमरा करके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शूट करूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर ली। और अभी मैं कैमरा को बैक कर दी इसीलिए क्योंकि मुझे फ्रंट कैमरा से शूट करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे से वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं फिर से कैमरा को बैक कर दी। और सुबह का यहाँ अर्घ दिला रहा है, सुबह अर्घ तो दूध से दिला रहा है, शाम में पानी से ही दिलाया था, लेकिन सुबह टाइम में अर्घ दूध से दिला रहा है। तो फाइनली सुबह का अर्घ दिला ही गया है, तो फिर मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। और आप लोग जैसा सोचे कि मैं आप लोग को पका रही हूँ, तो सच में मैं आप लोग को पका दे रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह के सूर्य देवता निकल चुके हैं, इनको प्रणाम कीजिए। और मैंने थोड़ा वीडियो लेस पोस्ट किया है, सो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे छठ पूजा का प्रोसेस ख़त्म होता है, और यहाँ पे हवन होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए